दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हर एक बड़े सितारे को सितारा बनाने के पीछे किसी न किसी का लंबा चौड़ा हाथ होता है। ऐसे ही कई लोगों की इंस्पिरेशन हमारे टीवी के एक्टर्स हैं, जिनकी सफलता को देखते हुए कई लोगों ने उन्हें अपनी इंस्पिरेशन बनाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि टीवी इंडस्ट्री के कुछ 6 फेमस अभिनेता ऐसे हैं जिनकी खुद की इंस्पिरेशन जो है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, जहां वो अपनी कामयाबी का जिम्मेदार अपने कुछ फेमस सितारों या फिर रिश्तेदारों को मानते हैं। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन 6 फेमस टीवी एक्टर से रूबरू करवाने वाले हैं, जिनकी इंस्पिरेशन से मिलकर आप भी काफी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन ही उन्हें हर बार अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करता है। आइए एक एक करके उन अभिनेताओं के इंस्पिरेशन से मिलते हैं। नंबर 1 पर है हर्षद चोपड़ा। दोस्तों, आप टीवी इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम अभिनेता हर्षद चोपड़ा को तो जानते ही हैं, जो अनगिनत शोज करके टीवी जगत में पॉपुलर हो चुके हैं और ये जल्द ही ये रिश्ता क्या कहलाता है में नए किरदार के साथ नजर आने वाले हैं। लेकिन आज जो ये इतने कामयाब हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इनकी बहन है। जी हाँ, इनकी बहन हर्षा चोपड़ा इन्हें हमेशा एक्टिंग करियर में सपोर्ट करती आई हैं, क्योंकि जब जब हर्षद को लगा कि अब इन्हें एक्टिंग छोड़ देना चाहिए, तब तब इनकी बहन ने इन्हें फोर्स करके, मोटिवेट करके टीवी इंडस्ट्री में काम करने के लिए मजबूर किया। और आज देखिए कि हर्षद चोपड़ा टीवी के कितने बेस्ट एक्टर कहलाते हैं। नंबर 2 पर है शब्बीर अहलूवालिया। यहाँ अभिनेता शब्बीर अहलूवालिया को किसी भी नाम और शोहरत की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में अभी तक इसलिए अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये हर बार अभिनेत्री स्मृति झा से मोटिवेट होकर अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं। जी हाँ, इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि अगर ये एक्टिंग कर रहे हैं तो उसका इंस्पिरेशन इन्हें सिर्फ स्मृति झा से मिलता है, क्योंकि स्मृति झा भी नॉन स्टॉप 7 सालों से बिना ब्रेक लिए इस शो में काम कर रही हैं और ये भी हर बार उन्हें देखकर इंस्पायर होते हैं। नंबर 3 पर है धीरज धूपर। दोस्तों, करण लूथरा यानी कि एक्टर धीरज धूपर को शायद ही अब कोई पसंद ना करे, जहां पर ये हर बार अपने शो में ब्रिलियंट एक्टिंग करके लोगों के दिलों का टुकड़ा बन चुके हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इनके अंदर वो जज्बा कहां से आता है जिससे ये हर बार अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं? जी हाँ, इनकी इंस्पिरेशन है इनकी खूबसूरत वाइफ बिन्नी अरोड़ा, जो पेशे से इन्हीं की तरह कलाकार है, और ये अपनी बीवी की अदायगी और कलाकारी से इतने प्रभावित होते हैं कि ये भी उनसे अच्छा शो में एक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो सीरियल में सभी दर्शकों को नजर भी आता है। नंबर 4 पर है विवियन डिसेना। सिर्फ तुम में जल्द ही सबको नजर आने वाले हैंडसम अभिनेता विवियन डिसेना भी इन दिनों अपनी को एक्ट्रेस ईशा सिंह से इतने इंस्पायर हो चुके हैं कि ये इस सीरियल में अपने स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी की वजह से सबको चौंका देना चाहते हैं। दरअसल जब से इन्होंने ईशा को स्क्रीन टेस्टिंग करते हुए देख लिया है, तब से ये उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानने लगे हैं, क्योंकि वो अपने छोटे से छोटे स्क्रिप्ट को भी बड़ी मेहनत और लगन से परफॉर्म करती हैं, और यही अदायगी और लगन विवियन में भी अब आ चुकी है। नंबर 5 पर है शरद मल्होत्रा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शरद मल्होत्रा विद्रोही सीरियल में इन दिनों युवराज बनकर तलवारबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि तलवारबाजी की इंस्पिरेशन इन्हें टीवी की फेमस प्रोड्यूसर एकता कपूर से मिली है। एकता कपूर ने ही इन्हें राजा महाराजा के सीरियल विद्रोही में काम करने के लिए उकसाया था, और जिसके चलते इन्होंने सीरियल में काम किया और हर तरफ इनके युवराज वाले किरदार की ही चर्चा हो रही है। इस तरह से ये हमेशा एकता कपूर को अपनी बेस्ट इंस्पिरेशन मानते हैं। नंबर 6 पर है मोहसिन खान। 30 साल की उम्र में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग इकट्ठा करने वाले कार्तिक यानी कि मोहसिन खान के इंस्पिरेशन कोई और नहीं बल्कि इनके मम्मी पापा हैं, जो इन्हें हमेशा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं, और उन्हीं से इंस्पायर होकर ये हर बार अच्छे से अच्छे एक्टिंग करके लोगों को रुला देते हैं। तो दोस्तों, आपको किस अभिनेता की रियल लाइफ इंस्पिरेशन के बारे में जानकर अच्छा लगा है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और भी तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।